हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको एक्सप्रेस जेएस मोंगो डीबी ट्यूटोरियल सीरीज में जो है हम लोगों ने अभी तक जो यूजर क्रिएट किया है, अब उसका जो डेटा है उसे आपको डेटाबेस में कैसे स्टोर करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं आपको कई चीजें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने जो अपने मॉडल्स फोल्डर के अंदर जो यूजर डॉट जेएस करके जो फाइल बनाया था उसमें मैंने ईमेल वाले की पर जो है स्कीमा के अंदर जो ईमेल वाला की है उसमें मैंने चेंज किया है। वहां पर जो मैंने यूनिक करके एक प्रॉपर्टी उसको मैंने लिखा है। ये यूनिक वाला प्रॉपर्टी लिखने पर क्या होता है कि अब यूजर कलेक्शन के अंदर जितने भी ईमेल होंगे डॉक्यूमेंट्स में, जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करेंगे उसमें जितना भी ईमेल होगा वो सब यूनिक होना चाहिए। यानी कि किसी भी दो डॉक्यूमेंट का ईमेल सेम नहीं हो सकता, अगर होगा तो एरर जनरेट होगा। तो ये चीज यहाँ पे आप कर लीजिएगा जो कि मैंने किया। उसके बाद मैंने कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर जो यूजर डॉट जेएस करके जो फाइल था उसमें पासवर्ड को हैश करने के बाद जो मैंने आउटपुट में कोड लिखा था रिटर्न रेस डॉट जेसन करके, उसको मैंने यहाँ पे फिलहाल डिलीट कर दिया। आपके में शायद से लिखा होगा तो उसे आप हटा लीजिएगा। तो अब हम लोग जो है एक यूजर का डेटा डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर जब आप अपने यूजर डॉट जेएस वाले फाइल में जाएंगे जो कि आपने कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर बनाया, उसके ऊपर आप देखेंगे आपने यूजर इस तरीके से बनाया है। अगर आपने यूजर मॉडल इस तरीके से बनाया है तो इस केस में आपको कैसे इंसर्ट करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, आपको यूजर वाला वेरिएबल का नाम लिखना होगा, डॉट लगाना होगा, क्रिएट करके एक फंक्शन है आपको उसे कॉल करना होगा। इसके अंदर पैरामीटर में जो है फंक्शन के पैरामीटर में जाना होगा, यहाँ पे एंटर दबाना होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट या हम कहें जेसन टाइप का डेटा लिखना होगा, तो कर्ली ब्रैकेट लगाइए। इसके अंदर आपको उन कीज का नाम लिखना होगा जो कि आपने यहाँ पे यूजर स्कीमा में बनाया था, माने इन कीज के लिए वैल्यू जिनको आप सेट करना चाहते हो उनको आपको यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पर आप देखिएगा इज एक्टिव और क्रिएटेड ऑन करके दो कीज है जिनकी वैल्यू मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट कर दी है, तो इनके वैल्यूज को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे यूजर नेम लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे। आप यूजर नेम पे कौन सा वैल्यू आप देना चाहते हैं वो आपको लिखना होगा। तो उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आपको रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट लिखना है, डॉट लगाना है, बॉडी लिखना है, डॉट यूजर नेम लिखना है, कॉमा लगाइए, एंटर दबाइए। फिर हम लोग यहाँ पे ईमेल लिखेंगे, तो ईमेल को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट लिखना है बॉडी, फिर आपको यहाँ पे ईमेल लिख देना है, कॉमा लगाइए, एंटर दबाइए। फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड लिखना होगा। अब पासवर्ड लिखने के लिए आप ये काम नहीं करेंगे क्योंकि आपने जो है पासवर्ड को हैश किया हुआ है, पासवर्ड की हैश वैल्यू आपने जनरेट करी है, तो उस हैश वैल्यू को आपने जिस वेरिएबल में स्टोर किया है उसे आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये जो है आपने क्या किया है, स्कीमा पर जो आपके कीज मौजूद थे उन पर आपने वैल्यू सेट कर दिया, कॉमा लगाइए, एंटर दबाइए। अब आपको यहाँ पे एक फंक्शन बनाना होगा और जब आप किसी फंक्शन के पैरामीटर में कोई फंक्शन क्रिएट करते हो उसे हम लोग कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। इस फंक्शन के पैरामीटर में आपको दो वेरिएबल क्रिएट करना होगा, सबसे पहले वाले वेरिएबल का नाम जो है एरर होगा, दूसरे वाले वेरिएबल का नाम हम लोग यहाँ पे रिजल्ट रखेंगे। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि फंक्शन के पैरामीटर में जो आप वेरिएबल बना रहे हैं इनका नाम आप जो चाहे वो रख सकते हैं। बस आपको एक बात याद रखना है कि इसी जो है डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट करते वक्त अगर कोई एरर आता है तो उस एरर में जो भी डेटा होगा वो आपके इस वाले वेरिएबल पर मौजूद होगा, यानी कि पहले वाले वेरिएबल पर। और अगर सक्सेस हो जाता है डेटा यानी कि इंसर्ट हो जाता है तो उसके बाद जो डेटा इंसर्ट हुआ है वो आपके पास जेसन फॉर्मेट में या जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के रूप में रिजल्ट वाले जो है आपके इस वेरिएबल पर मौजूद होगा, जिसे हम लोग आउटपुट में दिखा देंगे। सबसे पहले अब यहां पर आपको जो है चेक करना होगा क्या एरर आया है, तो इसके लिए आपको इफ स्टेटमेंट लगाना है, एरर वाला वेरिएबल लिखिए। अगर एरर आया होगा तो ये वाला इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है रिटर्न और हम लोग यहाँ पे जेसन फाइल वापस रिटर्न में भेजेंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ पे नॉर्मल सेंड लिखिए और आउटपुट में एक मैसेज भेज दीजिए कि डीबी इंसर्ट फेल, तो आप इस तरीके से भी भेज सकते हैं पर मुझे ऐसा नहीं करना है। और साथ ही में आप यहाँ पर स्टेटस कोड भी भेज सकते हैं, टीटीपी वाला स्टेटस कोड। तो अब आपको ये होगा कि आपको ये पता ही नहीं कि भाई अगर इंसर्ट होने में डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने में कोई एरर आता है तो एचटीटीपी का कौन सा स्टेटस कोड आपको यूज करना है। और स्टेटस कोड को जो रिस्पांस कोड भी हम लोगों ने कई वीडियो पहले में बताया था, तो रिस्पांस कोड स्टेटस कोड दोनों एक ही चीज है। तो डेटाबेस में इंसर्ट फेल होने का स्टेटस कोड क्या है ये पता करने के लिए आपको अपने वेब ब्राउजर पर गूगल को ओपन करना है। गूगल में जाके आपको लिखना होगा HTTP स्टेटस कोड फॉर डेटाबेस इंसर्ट एरर, एंटर दबाना है। तो ये आप देख सकते हैं 500 जो है स्टेटस कोड होता है अगर आपका डेटाबेस में डेटा इंसर्ट नहीं हो पाता है।
तो हम लोग क्या करेंगे, अपने कोड में वापस जाते हैं। अगर आपको स्टेटस कोड भेजना है तो यहाँ पे स्टेटस लगाइए और उसके अंदर जाके 500 लिख दिए, हो गया। पर ना तो हमें स्टेटस कोड हम भेज रहे हैं फिलहाल, और ना ही मुझे ये खाली नॉर्मल टेक्स्ट भेजना, तो ये कोड मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा जेसन, जेसन टाइप का डेटा भेजूंगा, कर्ली ब्रैकेट लगाना है, कीज की वैल्यू लिखिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉल्स, स्टेटस कैसा है, फॉल्स है क्योंकि एरर हो गया है। आउटपुट में एक मैसेज लिखेंगे और मैंने यहाँ पे लिखा डीवी इंसर्ट फेल, डॉट 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 लगा देंगे, कॉमा लगाएंगे, और क्या एरर आया है वो वाला जो है एरर वेरिएबल का डेटा हम लोग एरर की पर स्टोर कर देंगे। तो ये काम हो गया। अब अगर एरर नहीं आता है तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इफ एवरीथिंग ओके। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी डेटा आया है उसे हम लोग आउटपुट में यूजर को दिखा देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा रेस डॉट जेसन लिखेंगे, और अगर सारी चीजें ठीक होती हैं तो उस केस में स्टेटस कोड 200 होता है। तो आप यहाँ पे 200 वाला स्टेटस कोड आउटपुट में भेज सकते हैं, पर मैं नहीं भेजूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टेटस, कॉलन लगाया, ट्रू लिख दिया, उसके बाद मैंने मैसेज लिख दिया, सक्सेस डॉट 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 में लगाया, कॉमा लगाया, एंटर। उसके बाद जो भी रिजल्ट आया उसे हम लोग सेट कर देते हैं रिजल्ट वाले की पर, रिजल्ट वाले वेरिएबल में सारा डेटा मौजूद है, रिजल्ट वाले की पर मैंने सेट कर दिया, मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के लिए आपको अपना जो है वेब सर्वर सबसे पहले स्टार्ट करना होगा, तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। तो ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया। कमांड प्रॉम्प्ट जो है मेरा इस समय प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को पॉइंट कर रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नोड मॉल लिखेंगे, एंटर दबाएंगे, सर्वर स्टार्ट हो चुका है। पोस्टमैन आपको ओपन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, अपना मेथड सेलेक्ट करिए एचटीटीपी का, पोस्ट वाले मेथड से रिक्वेस्ट भेजना है, यूआरएल लिखिए, यूआरएल मैंने लिख दिया। अब जो है जो फॉर्म फील्ड्स हम लोग सर्वर पर भेजना चाहते हैं वो हमें भरना होगा, तो इसके लिए आपको बॉडी पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। यूजर नेम सबसे पहला वेरिएबल का नाम होगा, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर अपना जो यूजर नेम है वो लिख दिया। उसके बाद दूसरा वेरिएबल होगा ईमेल, तो मैंने यहाँ पर अपना ईमेल लिख दिया। उसके बाद तीसरा वाला वेरिएबल होगा पासवर्ड, तो मैंने अपना यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप चाहे तो इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मैंने यूजर नेम को नीचे कर दीजिए, ईमेल को ऊपर कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग जो सेंड पे क्लिक करते हैं, तो ये अब आप देख सकते हैं कि हम लोग का डेटा जो है डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है, और जो डेटा इंसर्ट हुआ है उसका जो डेटा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग अपने कंप्यूटर पे रोबो मोंगो 3T करके जो सॉफ्टवेयर है रोबो 3T उसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि मोंगो डीबी डेटाबेस में क्या इंसर्ट हुआ है। तो हम लोग सर्च पे जाएंगे, यहाँ पे आपको रोबो 3T दिखाई देगा, मेरे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल है। रोबो 3T कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज किया था, ये सब कुछ मैं पहले ही अपने वीडियोस में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, तो हम लोग मोंगो अंडरस्कोर टेस्ट वाले डेटाबेस में जाएंगे, कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे यूजर्स कलेक्शन दिखाई देगा। और ये देखिए यहाँ पे यूजर्स लिखा हुआ है, और ये वही है जो कि आपने मॉडल बनाते समय जो आपने नाम लिखा था, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसी नाम से डेटाबेस में कलेक्शन क्रिएट होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करिए, व्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करिए, यहाँ क्लिक करिए, और ये देखिए आपने जो डेटा अभी अभी इंसर्ट किया वो यहाँ पर आ गया, और ये डेटा वही है जो कि आपको यहाँ पे आउटपुट में दिख रहा है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब आप मोंगूस का यूज करके डेटा इंसर्ट करते हैं मोंगोडीबी डेटाबेस में, तो ये अंडरस्कोर वी करके जो ये आपका की होता है ये अपने आप बनता है। तो ये कोई एरर नहीं है, कोई गलत चीज नहीं, अपने आप बनता है। तो इस वीडियो से जुड़ा अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।